नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीमा की प्रहरी पे। आज मैं प्रोफेशनल नॉलेज की यह श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बुश आरओपी एमसीपी रेड क्यूआरटी के सोर्स शेडो आदि जो ऑपरेशनल ड्यूटीज हैं, जो हमारे सीओबी से जो सीआरपीएफ में इंटरनल सिक्योरिटी की जो भी ड्यूटियाँ हैं, उन सब के बारे में पहले हम बात करेंगे। उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि प्रश्न पत्र किस टाइप का आएगा या क्वेश्चन पेपर के बारे में। सीआरपीएफ, उम्मीद करता हूँ आप सबने ये फॉर्म डाल दिया होगा, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एलडीसी 2020। इसकी परीक्षा दोस्तों अभी 19 अप्रैल 2020 को होनी है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे तथा इस प्रश्न पत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान एवं गणित के 60% आने हैं, 60 अंक के। दूसरा जो भाग है हमारा, वो है प्रोफेशनल नॉलेज का, जिसमें 70% आएंगे, 70 नंबर के। तीसरा भाग है लैंग्वेज कंप्रेंशन, यानी कि भाषा का ज्ञान। इसमें आपके पास ऑप्शनल है हिंदी या इंग्लिश, हमसे एक चूज कर सकते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 अंक के आएंगे और टाइम स्पेशेंट है, इसमें 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो आज मैं शुरू करूंगा प्रोफेशनल नॉलेज की श्रृंखला, जिसमें हम आज की वीडियो में बात करेंगे अम्बुश आरओपी और एमसीपी के बारे में। उम्मीद करता हूं कि इस सबसे आपको फायदा मिलेगा इस वीडियो से। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और शुरू करते हैं आज का हमारा जो पहला टॉपिक है अम्बुश, जो एलडीसी हेड कांस्टेबल के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सबको पता होगा अम्बुश क्या होता है, क्योंकि जिसने भी ये फॉर्म अप्लाई किया है उसकी लगभग 4 साल से ज़्यादा सर्विस होगी, जिसकी 4 साल है, किसी की 4 से ज़्यादा भी है, लेकिन फिर भी अपने लिए दोबारा देखना इसको अच्छा होगा, क्योंकि फौज की परिभाषाएँ हैं जो वही चलती रहती हैं हमेशा, बस उनको रिविजन करने की जरूरत होती है। तो शुरू करते हैं आज की अम्बुश की परिभाषा। परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी अम्बुश की पार्टियां हैं जो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से, अम्बुश के प्रकार हैं या जिस पार्टी में का क्या काम है, ये अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अम्बुश की परिभाषा एक बार देख लेते हैं। चलते हुए या थोड़ी देर के लिए ठहरे हुए, चलते हुए या थोड़ी देर के लिए ठहरे हुए रुके हुए विद्रोहियों पर घात लगा किया गया जोरदार हमला, जिसका अंदेश विद्रोहियों को ना हो, उसे अम्बुश कहते हैं। अम्बुश की 4 पार्टियां होती हैं, तो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है अम्बुश की पार्टियों के नाम लिखो, या आ जाएगा अम्बुश की कितनी पार्टियां होती हैं उसके काउंटिंग में, इसके हिसाब से हमें ये देख लेना चाहिए एक बार अम्बुश के बारे में। तो इसकी 4 पार्टियां होती हैं, स्कॉट पार्टी, स्टॉप पार्टी, कवरिंग और रिजर्व। या सबसे पहले स्कॉट पार्टी, स्कॉट पार्टी को लगाया जाता है विद्रोहियों के आने वाले रास्तों पर, या उनकी जो विद्रोहियों के आने का अंदेशा हो जहाँ से, उस स्थान पर स्कॉट लगाया जाता है अम्बुश के अंदर। और स्कॉट का काम होता है कि यह जो दुश्मन के आने पर पार्टी कमांडर को जो पहले से मुकर्रर किए गए इशारे हैं या कोई चिन्ह है, जिसके द्वारा वो पार्टी कमांडर को बताता है कि दुश्मन अपने रेंज के अंदर आ गया है। उसके बाद दूसरी पार्टी है स्टॉप पार्टी। स्टॉप पार्टी उन रास्तों पर लगाए जाते हैं जहाँ संभावित रास्ते हो कि विद्रोही कहाँ से भागने के रास्ते हो, संभावित रास्ते, उन पे हम स्टॉप लगाते हैं। और कभी स्टॉप स्कॉट का काम भी कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि दुश्मन किस रास्ते से आने वाला है, तो अगर वो किसी और रास्ते से आए तो स्टॉप पार्टी वाला जो पार्टी कमांडर को सूचित करता हुआ है, करता है कि दुश्मन मेरी तरफ से आया है, वो अपने इशारों द्वारा उसको बता देता है। तो स्कॉट और स्टॉप का लगभग एक जैसा ही काम होता है, और स्टॉप भागते हुए दुश्मन को रोकते हैं तथा उसे बर्बाद करते हैं। तीसरी पार्टी है कवरिंग पार्टी। कवरिंग पार्टी का जो अम्बुश की पार्टी है कवरिंग, वो पार्टी का मुख्य भाग होती है। इसी में पार्टी कमांडर होता है, अम्बुश पार्टी का पार्टी कमांडर कवरिंग पार्टी में होता है, तथा यही भारी मात्रा में दुश्मन के रेंज में आने पर या दुश्मन टारगेट के अपने पूरा इलाके में आने के बाद एक साथ भारी मात्रा में इसमें फायर डालकर दुश्मन को बर्बाद किया जाता है। और इसके बाद है रिजर्व पार्टी। रिजर्व पार्टी किसी भी पार्टी में जरूरत पड़ने पर
जो अगर किसी पार्टी में जरूरत है स्कॉट स्टॉक कवरिंग में जरूरत पड़ती है किसी भी नुमाइंदे की, तो यहाँ से भेजा जाता है उसमें। तथा इसके बाद अगर बड़ा ऑपरेशन है, जैसे बड़ा अंबुस हो रखा है, तो उसके बाद ये रिजर्व पार्टी को 3 भागों में, 2 या 3 भागों में और बांट दिया जाता है, जिसमें प्रिजनर है, परस्यूट है, सर्च पार्टी है, क्योंकि रिजर्व पार्टी के बंदों को इसमें पकड़े गए दुश्मन को कैंप तक लाने ले जाने की जो जवाबदारी है वो प्रिजनर पार्टी को सौंप दिया जाता है। परस्यूट पार्टी पूछताछ करती है और उनकी आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह चेक करती है, कैंप तक पहुंचाती है उनको। और तीसरी पार्टी है सर्च पार्टी। सर्च पार्टी का काम जो भी इलाका है उसको अच्छी तरह से जांच छानबीन करना, तथा हथियार अम्युनेशन या घायल व मरे हुए जो दुश्मन हैं उनको, विद्रोही हैं उनको सर्च करना, और अच्छी तरह से उनसे सब कुछ, मतलब हथियार अम्युनेशन वो सारा कुछ देखना उनका, और अपने साथ कैंप तक ले आना। अंबुश दोस्तों दो प्रकार से होता है, अंबुश के दो प्रकार हैं। प्रमुख रूप से सीआई क्षेत्र में काउंटर इंटेलिजेंस या प्रतिविद्रोही क्षेत्र में अंबुश के दो प्रकार होते हैं। एक होता है मौके का अंबुश और दूसरा होता है तैयारी का अंबुश। मौके के अंबुश से यहाँ पे तात्पर्य है, मौके के अंबुश से यहाँ पे तात्पर्य है कि अगर जब हम जा रहे हैं, जब अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की पार्टी कहीं पे मार्च कर रही है, मूव कर रही है जंगलों में या किसी प्रतिविद्रोही के इलाके में, और सामने से अचानक दुश्मन की या विद्रोहियों की मुलाकात हो जाए, टकराव हो जाए, तब उस समय लगाया गया जो अंबुश होता है उसे मौके का अंबुश बोलते हैं। और तैयारी का अंबुश होता है पहले से इसकी तैयारी की जाती है कि वहाँ पे उक्त स्थान पे हमें अंबुश लगाना है, उस पार्टी पे जिस पे हमारी नज़र रहती है पहले से ही, उसको बोलते हैं तैयारी का अंबुश। इसके बाद आपको बताता हूँ इसके कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं या जो याद रखने वाले, जो अंबुश को सफल बनाने वाले कुछ टॉपिक बता देता हूँ, जिसमें सरप्राइज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, कमांड एंड कंट्रोल, इसमें जो स्कॉट कवरिंग पार्टी और स्टॉप रिजर्व पार्टी में है, जो कमांड एंड कंट्रोल है वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो पक्का इरादा, यानी कि जो हमारे दुश्मन को मारना है इसका पक्का इरादा होना चाहिए, किसी को किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। और कॉम्बिनेशन, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और उसके बाद इसमें है अनुशासन, जो भी जवान या जो भी कर्मी इसके अंदर पार्टी में भाग ले रहा है, अंबुश में भाग ले रहा है, वो उसका अनुशासन आले दर्जे का होना चाहिए, वो किसी प्रकार का नशा नहीं करता हो, क्योंकि अगर आप वहाँ पे नशा या कुछ और हरकत करोगे या अगर वहाँ पे छींक दिया, खांसी आई, तो वहाँ पे हमारी जो सिक्रेसी है वो सरप्राइज लीक होने का चांसेस रहता है। और अंबुश के लिए बहुत ही जरूरी है सरप्राइज मेंटेन रखना। तो ये था दोस्तों हमारे आज का अंबुश का वीडियो। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आरओपी का, इसका क्विक रीजन कर लेते हैं एक बार। रोड ओपनिंग पार्टी, इसकी परिभाषा देख लीजिए, विद्रोहिता के क्षेत्र में सुरक्षा बलों के ट्रूप्स, गाड़ियों आदि को सुरक्षित आने व जाने के लिए रोड पर जो पार्टी लगाई जाती है उसे रोड ओपनिंग पार्टी कहते हैं। आरओपी की 4 पार्टी होती हैं, आरओपी की भी 4 पार्टी होती हैं, जिसमें सर्च पार्टी, पिकेट पार्टी, रोड क्लियरिंग पार्टी और क्यूआरटी पार्टी। इसमें सर्च पार्टी का जो मेन काम होता है वो रोड के दोनों तरफ 100 से 150 मीटर तक इलाके की सर्च करना। इसमें ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आने की संभावना है कि क्यों आरओपी की पार्टी में सर्च पार्टी का काम रोड के दोनों तरफ कितने मीटर तक सर्च करना होता है। वैसे तो दोस्तों ग्राउंड में कितना भी हो, लेकिन ऑथेंटिक है एक जो वो हमें यहाँ पे याद करना है कि कागजों के हिसाब से जो 100 से 150 मीटर तक का इलाका चेक सर्च करते हैं इसमें। फिर है पिकेट पार्टी, सर्च किए गए इलाके में जहाँ जिस जहाँ जहाँ पे सर्च कर लिया है सर्च पार्टी ने, उसके बाद उसके पीछे पीछे पार्टी कमांडर के द्वारा दाएं बाएं रोड के दोनों तरफ पिकेट लगाए जाते हैं। यह है पिकेट पार्टी के काम। और पिकेट पार्टी उसके बाद इंश्योर करती है कोई वहाँ पे दोबारा के किसी भी तरह के विद्रोही हैं जो किसी भी तरह के आईडी या ऐसा कोई स्फोटक सामान न रख जाएं।
तीसरे रोड क्लियरिंग पार्टी। रोड क्लियरिंग पार्टी रोड के ऊपर चलती है, मतलब रोड के बीचों बीच चलते हुए रोड को देखती है कि यहाँ पे कोई आईडी बारूद वगैरह तो नहीं लगी है। और अगली पार्टी है क्यूआरटी पार्टी। क्यूआरटी पार्टी किसी प्रकार की घटना होने पर ये क्यूआरटी पार्टी उसका जवाब देने के लिए तैयार रहती है, तथा आरोपी पार्टी का जो कमांडर होता है वो क्यूआरटी पार्टी में रहता है और उसको क्यूआरटी पार्टी का ही कार्य होता है आरोपी को लाने व ले जाने की कार्रवाई जवाबदारी क्यूआरटी पार्टी के पास होता है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आरोपी लगाने के बाद आरोपी पार्टी कमांडर क्यूआरटी के साथ रहते हुए पार्टियों के साथ मिलाप में रहता है। आरोपी की नफरी उसके टास्क पर निर्भर करती है। वैसे जो ऑथेंटिक जो नफरी है वो इस तरह है कि आरोपी द्वारा कवर किया गया इलाका जो ऑथेंटिक है कागजों के हिसाब से एक प्लाटून हमेशा 6 से 8 किलोमीटर तक को कवर करती है। एक प्लाटून को अगर आरोपी दी जाए तो वो 6 से 8 किलोमीटर और एक कंपनी 12 से 15 किलोमीटर तथा एक बटालियन 30 से 40 किलोमीटर तक का इलाका या रोड है जो सिक्योर करके रखती है। ये है ऑथेंटिक इसका जो इलाका है सिक्योरिटी का या रोड ओपनिंग पार्टी का रोड सिक्योर करने का। तो इसी के साथ ये आरोपी का छोटा सा पॉइंट था, अभी ये यहाँ समाप्त होता है। अब देखते हैं MCP। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है MCP यानी कि मोबाइल चेक पोस्ट। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। मोबाइल चेक पोस्ट विद्रोहिता के क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा लगाया जाने वाला वह हरकती दस्ता है जो विद्रोहियों व उनके हथियारों अमिनेशन तथा अन्य शक्य व्यक्ति को पकड़ने के लिए लगाया जाता है। इसका कमांडर निरीक्षक या उप निरीक्षक होता है। MCP के 4 ग्रुप होते हैं, जिसमें पहला है सर्च ग्रुप, दूसरा कवरिंग ग्रुप, तीसरा प्रोटेक्शन ग्रुप और चौथा रिजर्व ग्रुप। इसमें सर्च ग्रुप और रिजर्व ग्रुप की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कवरिंग ग्रुप और प्रोटेक्शन ग्रुप के कार्यों में से आपको कंफ्यूज करके इसमें पूछ सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हम सभी को देख लेते हैं एक बार। सर्च ग्रुप। सर्च ग्रुप का कार्य व्यक्तियों गाड़ियों आदि की तलाशी लेना मुख्य कार्य होता है इसका। सर्च ग्रुप का मुख्य कार्य है व्यक्तियों गाड़ियों आदि की तलाशी लेना होता है, और पार्टी कमांडर इसी ग्रुप में होता है, सर्च ग्रुप में होता है। कवरिंग ग्रुप का कार्य सर्च ग्रुप को या सर्च ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना तथा जो भी सस्पेक्टेड या सर्च ग्रुप वाले जिसको सर्च कर रहे हैं उसके ऊपर टारगेट करके रखना होता है। इसका जो कवरिंग ग्रुप का कार्य होता है वो सर्च ग्रुप के सदस्यों की सुरक्षा करना तथा सस्पेक्टेड के ऊपर टारगेट करके रखना। प्रोटेक्शन ग्रुप का कार्य पूरी MCP के सभी ग्रुपों को वह पूरी कार्रवाई की सुरक्षा की जवाबदारी होती है प्रोटेक्शन ग्रुप की, यानी कि ओवरऑल सिक्योरिटी करने का कार्य होता है प्रोटेक्शन ग्रुप का। और कवरिंग ग्रुप सिर्फ सर्च ग्रुप की ही सिक्योरिटी करता है। उसके बाद है रिजर्व ग्रुप। रिजर्व ग्रुप में जरूरत पड़ने पर जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे तथा भागते हुए विद्रोहियों को पकड़ना, शक्य व्यक्तियों को पकड़ना, बंदी बनाने का कार्य रिजर्व ग्रुप का होता है। सर्च ग्रुप द्वारा व्यक्तियों की सर्च करने के तरीके। सर्च ग्रुप द्वारा जो व्यक्ति और व्हीकल्स को सर्च करने के कुछ तरीके हैं, ये भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले व्यक्तियों को सर्च करने के तरीके ये है फ्रिस्किंग द्वारा। सर्च ग्रुप द्वारा व्यक्तियों को सर्च करने के तरीके इसमें पहला है फ्रिस्किंग द्वारा, दूसरा है HHMD यानी कि हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर द्वारा, और तीसरा है DFMD डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर द्वारा, चौथा है एक्सरे द्वारा। और सर्च ग्रुप द्वारा व्हीकल को सर्च करने के लिए ये एक तो है क्विक सर्च, थ्रो सर्च और तीसरा है वर्कशॉप सर्च। तो ये आज का MCP का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और इसी के साथ ही इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.